देखो बेटा, इस सवाल में आपके पास एक हथौड़ा है जो कि 5 kg का है। 5 kg हैमर फॉल्स विद वेलोसिटी 1 m/s ऑन द पीस ऑफ लेड ऑफ मास 300 ग्राम। यानी कि आपके पास एक पीस ऑफ लेड है जो कि कितने का है बेटा, 300 ग्राम का। डिवाइड कर दिया जाए तो 1000 से तो कितना हो जाएगा, 0.3 kg। इसको आप पीट रहे हैं, किससे पीट रहे हैं, हथौड़े से। कितना किलो का है ये हथौड़ा? ये हथौड़ा जो है वो हल्का नहीं है, 5 kg का है, समझ रहे हैं विनोद। और ये वेलोसिटी जिससे चल रहा है वो 1 m/s है। इसको खूब पीट रहा है, घन 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 पिटाई चल रही है। और आपको बताना है कि कितनी दफे पीटा जाए कि ये जो है मेल्ट कर जाए, मतलब पिघल जाए। जो अभी सॉलिड फॉर्म में लेड दिख रहा है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। मेल्टिंग मतलब लिक्विड में, दूसरे फॉर्म में। यानी इसको अपनी चेंज ऑफ स्टेट करनी है, इस बात को ध्यान रखना। तो कौन एनर्जी देगा, माफ कीजिएगा, एनर्जी हथौड़ा देगा। कहाँ से देगा? कह लगे ½ mv² इसको एनर्जी मिलेगी। ये कब मिलेगी? जब एक बार मारेगा। एक बार में पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा। दो में पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। तो कितनी बार में पिघलेगा, हाउ मेनी स्ट्रोक विल इट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग द लेड, कितनी दफे इसको मारें कि ये मेल्ट कर जाए। तो आपने कहा एक दो में तो होगा नहीं, तो आपने कहा कोई बात नहीं, एंड टाइम इसको पीट दो। तो आपने इतनी एनर्जी एंड टाइम दी, उसमें होगा क्या? इससे ये गर्म होगा, गर्म होगा तो इसको एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी। और जो हीट ट्रांसफर होगी, ये मैकेनिकल एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट होगी, कितनी हो जाएगी बेटा, ms∆T। ठीक, m क्या है, स्मॉल m मास ऑफ लेड, s क्या है बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड। और जो भी मेल्टिंग पॉइंट आपको मालूम है 327 डिग्री होता है, जो भी 27 डिग्री पे अभी आपके पास है, यानी इसको 300 डिग्री टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा, तब तो ये मेल्टिंग की स्थिति में आएंगे। और उसके बाद ये लिक्विड सॉलिड से लिक्विड होंगे, यानी चेंज ऑफ स्टेट करेंगे, आपका काम बन जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, एन निकालना, एन आ जाएगा 1/2। मास कितना है हथौड़े का, क्योंकि ये एनर्जी कौन दे रहा है, हथौड़ा दे रहा, मैकेनिकल। स्पीड कितनी है, 1 m/s, 1 × 1। ये सारा काम कौन कर रहा है, लेड पे हो रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा मास बेटा, स्पेसिफिक हीट पिछले सवाल में आपने देखा था 0.03 कैलोरी प्रति ग्राम है। और यहाँ किस में है, ये मैकेनिकल एनर्जी जूल में है, तो लेफ्ट हैंड साइड जूल में है, तो राइट हैंड साइड जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किया, 1.48 क्यों किया, हमने आपको बता दिया। साथ में ग्राम को किलोग्राम बदलना है, क्योंकि हथौड़ा ग्राम का है और मास भी आपने किलोग्राम में रखा है लेड का। और ~T, मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री है, उसमें से अभी 27 डिग्री पे है, एम राइट। अब मैं अपना फोटो छुपा लेता हूँ ताकि इक्वेशन पूरी कर लूँ। प्लस m × L, m आपको मालूम है 3 ग्राम, 300 ग्राम यानी 0.3 kg। l आपको मालूम था पिछले सवाल में किया था, 6 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी से आपने बनाया जूल को और ग्राम से बनाया किलोग्राम को, यही वन शॉर्ट पार्ट वन में आपको मैंने सिखाया है। बस भाई साहब काम बन गया है, निकालना ही बाकी रह गया, बाकी नंबर्स आपको पता चल गए। इस 3 से 3 हटा लीजिए, 3 × 9 कर लीजिए, ठीक 4.18। और 327 में 27 गए 300, प्लस इसमें भी 3 हट जाएगा, ये हटा पावर गई, यानी कि आपको 3 × 6 = 18 दिख रहा है इनटू। इधर आप चाहें तो डिवाइड कर लीजिए, 2.5 कर लीजिए, तो 2.5 × n, और इधर भी पॉइंट हटा सकते हैं। तो अब आपको कितना गुणा करना लग गया, 9 × 3 = 27 मिल गया हमको, किससे गुणा करना है, 418 से। और ये हुआ हमारा 11,286 प्लस।
अब की बार गुणा कर लेना है आपको 18 × 4 = 18 से, ये मिला आपको 75 × 24। बस अब ऊपर मैं लिख रहा हूं 2.5 n बराबर, जोड़ लेता हूं 11286, ये मिल गया हमको 18810, 18810। इसलिए n बराबर डिवाइड बाय 2.5, डिवाइड कर देते हैं भाई साहब इसको 2.5 से, देखते हैं क्या आता है। वो 75 × 24, यानी आपको n कितने थप्पड़ मारने पड़ेंगे, 7524 दफे इस हथौड़े को बेटा चलाओगे ना, तब जाके 300 ग्राम जो लेड है वो लिक्विड में बदलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कितना बेहतरीन सवाल है, किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी को आपने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, और आपको पता चल गया कि छोटा सा 300 ग्राम का जो लेड है उसको पिघलाने में 7524 हथौड़े आपको मारने पड़ेंगे तब वो पिघलेगा।